हाय दोस्तों, मैं पटना पहुंच गया हूं और इस वक्त मैं हूं गुरुद्वारा तख्त श्री पटना साहिब जी। ये गुरुद्वारा श्री गुरु गोविंद सिंह जी की याद में बना है, क्योंकि उनका जन्म यहां पे हुआ था 1666 में और उनका बचपन भी यहीं पे बीता था। इसके बाद वो श्री आनंदपुर साहिब जी मूव कर गए थे। तो आइए गुरुद्वारा साहब जी के दर्शन करते हैं और साथ ही साथ इसके बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको जानकारी दे दूंगा। तो पागलपुर से पटना आते टाइम ये गुरुद्वारा पटना शहर में एंटर होने से ठीक पहले गंगा नदी के किनारे बना हुआ है। पटना साहिब एक लोकेलिटी का नाम है इसके अंदर, जहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था और काफ़ी बड़ा गुरुद्वारा है ये। तो ये सामने है जो ये मेन बिल्डिंग है गुरुद्वारा साहब जी की, जहाँ पे सब लोग मत्था टेकते हैं। ये वीडियो यहाँ के तीन सबसे बड़े और इम्पोर्टेंट गुरुद्वारों के बारे में है। तो पूरा देखोगे तो आपको उन तीनों गुरुद्वारों के बारे में और उनकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस के बारे में भी पता चल जाएगा। यहाँ आने के लिए दिल्ली और कोलकाता जैसे बड़े शहरों से पटना साहिब के लिए डायरेक्ट ट्रेन चलती है और यहाँ का रेलवे स्टेशन गुरुद्वारे के बिल्कुल पास में ही है, तो आपको आने में कोई परेशानी नहीं होगी। गोल्डन टेंपल अमृतसर की तरह यहाँ भी अंदर आकर एक अजीब सा सुकून मिलता है। यहाँ गुरुद्वारे के अंदर एक म्यूज़ियम भी है, जिसके अंदर श्री गुरु गोविंद सिंह जी और इस गुरुद्वारे की हिस्ट्री, उनके जीवन से संबंधित कुछ पुरानी चीज़ें और काफ़ी तस्वीरें हैं। और उनके साथ साथ यहाँ पे एक बड़ा मैप रखा हुआ है, जो कि श्री गुरु नानक देव जी की जो यात्राएं उन्होंने की थी, तो उन यात्राओं का एक पूरा एक रफ जो मैप है वो बना हुआ है। ये कुछ सिखिज़म और गुरबाणी से रिलेटेड पुरानी स्क्रिप्ट्स हैं आई थिंक, जो यहाँ रखी हुई हैं। और इस तरफ कुछ शंख और भी कुछ चीज़ें हैं, इनके नाम मुझे मालूम नहीं है। और इस तरफ ये एक गठरी है, इसके अंदर आई थिंक गुरु गोविंद सिंह जी से उनके बचपन से रिलेटेड कुछ चीज़ें होंगी। गुरुद्वारे के बिल्कुल राइट साइड में एक पतली गली जाती है, जो कि गुरु गोविंद सिंह जी के जन्म स्थान या जहाँ पे उनका बचपन बीता था वहाँ जाती है। तो इसी गली में लगभग 500 मीटर चलने के बाद उसी स्थान पर एक और गुरुद्वारा बना हुआ है, जिसका नाम है बाल लीला गुरुद्वारा। इसका नाम बाल लीला इसलिए है क्योंकि इसी जगह पे श्री गुरु गोविंद सिंह जी का बचपन बीता था।
और उनका बचपन जहाँ बीता था वो यहाँ के राजा फतेह सिंह मैनी का महल था, तो उस महल में बाकी बच्चों के साथ खेलते हुए उनका बचपन बीता। और फतेहपाल सिंह मैनी जो राजा थे, उनकी पत्नी जो रानी विशंबरा देवी थी, वो श्री गुरु गोविंद सिंह पर बहुत ज़्यादा मोहित थी और वो चाहती थी कि उनका भी उनके जैसा एक बेटा हो। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने उनको कहा था कि मेरे जैसा मैं एक ही हो सकता हूँ, तो आप मुझे अपना बेटा मान लीजिए। इन दो गुरुद्वारों के अलावा यहाँ एक और इम्पोर्टेंट गुरुद्वारा है जिसका नाम है कंगन घाट गुरुद्वारा, जो कि तख्त साहब के सामने से एक गली जाती है सीधा गंगा घाट की तरफ। तो वहाँ गंगा घाट के पास ये कंगन घाट गुरुद्वारा है, और इसका नाम कंगन घाट इसलिए है कि बचपन में गुरु गोविंद सिंह जी ने माया का त्याग करने का संदेश देने के लिए अपने कंगन जो है वो गंगा में फेंक दिए थे। ये गुरुद्वारे के पीछे की साइड में एक दो और स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, बड़े बड़े होल बनेंगे। तो ये प्रपोज्ड मैप है ऊपर लगा हुआ इसका, और इसके बाद ये जो गुरुद्वारा है ये पूरा का पूरा और भी बड़ा और शानदार लगेगा। और इस कंस्ट्रक्शन साइट के पीछे ये लंगर हॉल है काफ़ी बड़ा, जो कि आप सबको मालूम ही है जैसा कि हर गुरुद्वारे के अंदर हर रोज़ लंगर चलता रहता है और सबके लिए ओपन रहता है। यहाँ की एक बात मुझे जो सबसे अच्छी लगी वो ये है कि यहाँ सूखे पत्तों की बनी पत्तल या प्लेट जिसको बोलते हैं उसमें खाना मिलता है।